कोरोना संकट के दौरान देश में सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी उठानी पड़ी है तो वो है प्रवासी मजदूर। श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाए जाने के बावजूद मजदूर कहीं सड़क पर चल रहे हैं तो कहीं पटरियों पर। हादसे भी हुए हैं और मजदूर बेमौत मारे भी गए हैं, लेकिन सियासत है जो मानती नहीं। इस आफत काल में भी गैर बीजेपी शासित राज्यों के हुक्मरान जिस तरीके की मजदूर पॉलिटिक्स कर रहे हैं उससे उनके राजधर्म पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रवासी मजदूरों को लेकर केंद्र सरकार और गैर बीजेपी शासित राज्यों के बीच तकरार अब खुलकर सामने आने लगी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बयान जारी कर पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों पर प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई जा रही ट्रेनों की अनुमति न देने का आरोप लगाया। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे रोजाना 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाकर कामगारों को उनके घर पहुंचाने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे दुख है कि कुछ राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारों द्वारा इन ट्रेनों को अनुमति नहीं दी जा रही, जिससे श्रमिकों को घर से दूर कष्ट सहना पड़ रहा है। दरअसल श्रमिक स्पेशल ट्रेनें रेलवे और राज्यों के आपसी समन्वय से ही चलाई जानी है। राज्य जितनी ट्रेनों की अनुमति देगा रेलवे उतनी ही ट्रेनें उनके राज्य में भेज रही है, लेकिन कांग्रेस शासित राज्य और ममता बनर्जी इस संवेदनशील मसले पर भी राजनीति से बाज नहीं आए। ममता बनर्जी ने अब तक महज 7 ट्रेनों को बंगाल में घुसने दिया। यही हाल राजस्थान का है जहां अब तक कुल 17 ट्रेनों के जरिए प्रवासी कामगारों ने घर वापसी की है। छत्तीसगढ़ में भी अब तक 15 ट्रेनें ही बाहर फंसे लोगों को लेकर पहुंची। वहीं झारखंड में भी अब तक सिर्फ 22 ट्रेनें ही पहुंची, जबकि उत्तर प्रदेश में 400 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें आ गई हैं और बिहार में लगभग 200 ट्रेनों के जरिए मजदूरों की घर वापसी हो चुकी है। मजदूर पॉलिटिक्स पर केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार लगातार आमने सामने है। दोनों एक दूसरे पर राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। ममता बनर्जी ने 14 मई को ऐलान किया कि उन्होंने फंसे हुए प्रवासी मजदूरों के लिए 105 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की है। इसमें यह साफ नहीं है कि ये रोजाना चलाई जाएंगी या नहीं। वहीं पीयूष गोयल का आरोप है कि 105 ट्रेन पूरी महीने चलाने की अनुमति दी गई है, जो कि पश्चिम बंगाल के कामगारों के साथ क्रूर मजाक है। रेल मंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश ने 15 दिन से भी कम समय में 400 ट्रेनों को मंजूरी देकर अपने प्रवासी कामगारों को घर पहुंचाया। इस तरह की सक्रियता दिखाने के बजाय पश्चिम बंगाल की सरकार मजदूरों को जल्दी सहायता पहुंचाने से रोक रही है। पश्चिम बंगाल के गरीब मजदूरों को वहां की सरकार अपने घर नहीं आने दे रही। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर 1200 ट्रेनें अन्य कामों से हटाकर सिर्फ प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए रिजर्व कर दी गई है, जिससे रोज हम 300 ट्रेनें शुरू कर सकते हैं, लेकिन कुछ राज्य अनुमति देने में भी राजनीति कर रहे हैं। रेल मंत्री ने प्रवासी मजदूरों के मामले में पश्चिम